इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासरूम से मुतल्लिक, यानी कमराए जमात से मुतल्लिक। आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। चलें हम शुरू करते हैं। माय क्लासरूम, माय क्लासरूम यानी मेरा कमराए जमात। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे क्लास में बैठे हैं। चलें अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ एक जुमला दिया हुआ है, पढ़ते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द नेम्स। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द नेम्स, यानी पहले हमने दी हुई तस्वीर की तरफ देखना है और फिर हमने इनके नाम पढ़ने हैं। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहली तस्वीर की तरफ देखिए, ये एक टेबल है। टेबल यानी मेज। हर क्लासरूम में एक टेबल भी पाया जाता है जिस पे टीचर अपनी चीजें रखती है। चलें आप भी मेरे साथ पढ़ें। टेबल, टेबल, टेबल यानी मेज। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये क्या है? ये है चौक, चौक। और चौक किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ब्लैक बोर्ड पे या तख्ता स्यापे लिखने के लिए। ये भी हर क्लासरूम में होते हैं। इनका क्या नाम है? चौक, चौक। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक बुक, बुक, बुक यानी किताब। आप भी मेरे साथ पढ़ें। बुक, बुक यानी किताब। किताब भी हर क्लासरूम में पाई जाती है। अब इस अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक डेस्क, डेस्क। डेस्क उस मेज को कहते हैं जो कि बच्चों के लिए होता है, जिस पे वो अपनी किताबें रख के पढ़ सकते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। इसे क्या कहते हैं? डेस्क, डेस्क। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये क्या है? ये है एक बैग, बैग यानी बस्ता। बैग भी हर क्लासरूम में होता है और क्लास का हर बच्चा अपने साथ एक बैग लेकर आता है जिसमें उसकी किताबें और पेंसिल्स वगैरह होती हैं। आप भी मेरे साथ अब पढ़ें। बैग, बैग यानी बस्ता। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक इरेजर, इरेजर यानी रबर। इरेजर, इरेजर किस लिए इस्तेमाल होता है? जब आपने पेंसिल से कुछ भी लिखा हो और वो गलत हो जाए तो इरेजर की मदद से आप उस लिखी हुई चीज को मिटा सकते हैं। चलें अब हम फिर से इसका नाम पढ़ते हैं। ये है इरेजर, इरेजर। चलें अब इस अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक पेन, पेन, पेन यानी कलम। पेन, पेन यानी कलम। और पेन भी आमतौर पर हर बच्चे के पास ही होता है क्योंकि इसी से तो आपको अपनी कॉपीज पर लिखना होता है। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक शार्पनर, शार्पनर जिससे आप पेंसिल का सिक्का तेज कर सकते हैं या अगर सिक्का टूट गया हो तो नया सिक्का बना सकते हैं। ये भी आमतौर पर हर बच्चे के पास होता है और हर क्लासरूम में पाया जाता है। ये क्या है? शार्पनर, शार्पनर। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है स्केल, स्केल। आप भी मेरे साथ पढ़ें। स्केल। और स्केल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सीधी लकीर लगाने के लिए या फिर अगर आपको लकीर की लंबाई मालूम करनी हो तो स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आमतौर पर हर बच्चे के पास होता है और हर क्लासरूम में मौजूद होता है।
अब इस अगली तस्वीर की तरफ आइए, ये है एक पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पेंसिल और पेन डालने के लिए। पेंसिल और पेन के साथ साथ इसमें स्केल और रबर वगैरह भी होते हैं, ये हर बच्चे के पास होता है और आमतौर पर हर क्लासरूम में पाया जाता है। अब आप भी मेरे साथ दोहराइए, ये क्या है? पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। चलें अब इस अगली तस्वीर की तरफ आइए, ये है एक क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी, क्लॉक यानी घड़ी, जो आमतौर पर हर क्लासरूम में होती है। घड़ी की मदद से हम वक्त देख सकते हैं। और अब इस आखिरी तस्वीर की तरफ आइए, ये है एक पेंसिल। पेंसिल, पेंसिल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? कुछ भी लिखने के लिए। ये है पेंसिल और ये भी आमतौर पर हर बच्चे के पास होती है। चलें अब हम फिर से इनके नाम दोहराते हैं। टेबल, चॉक, बुक, डेस्क, बैग, इरेजर, पेन, शार्पनर, स्केल, पेंसिल बॉक्स, क्लॉक और पेंसिल। ये कुछ चीजें हैं जो एक क्लासरूम में पाई जाती हैं। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन चीजों के नाम दोहराने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप बहुत जल्द इन चीजों के नाम इंग्लिश में सीख जाएंगे।